हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला होगा, इफ एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री आर वर्टिसेस, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, एंड इसका थर्ड कॉलम होगा वन वन वन। इसको हमने एग्जाम्पल में यूज करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले इसके दो मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है, एक अगर पॉइंट्स को लीनियर हैं तो इसका एरिया जीरो होगा, और जो भी एरिया हमने निकालना है उसकी वैल्यू हमेशा एब्सोल्यूट होगी, मीन्स हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे उसकी, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, तो हमने वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड आउट करना है विद डिटर्मिनेंट्स विद दीज वर्टिसेस, द वर्टिसेस हमें गिवन है, तो सिंपली क्या करना है, हमने जो भी फॉर्मूला है हमारे पास तो उसमें 3 1 4 3 -5 4 ऐसे हमने वर्टिसेस को पुट कर देना है, और थर्ड कॉलम है हमारे पास 1 1 1। तो हमने रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड कर लिया, रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड करके हमारे पास ये आ जाएगा 19। तो बन गया फॉर्मूला 19/2, 19/2 इसका आंसर आ जाएगा, एंड दिस विल बी 9.5 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ना एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, जिसमें हमें पॉइंट्स को लीनियर गिवन है और इसमें कुछ ना कुछ अननोन होगा जो हमने फाइंड आउट करना है, डेट इज एक्स। ओके, तो इसमें क्लियर है कि अगर पॉइंट्स को लीनियर गिवन है डैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी जीरो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, दिस इज 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस आ जाएंगे 3 -2 x 2 8 8, देन थर्ड कॉलम विल बी 1 1 1। तो हमने एक्सपैंड किया इसे बाय रो फर्स्ट, जब हम एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके ये आ जाएगा -50 + 10x, एंड दिस इज इक्वल टू 0 गिवन। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।